के बीच लटक कर रह गया एक युवक और पहुंच गया अस्पताल में। पलंग नंबर 8 पर भर्ती मुकेश की यही दास्तान है। मुकेश की मां के अनुसार बूढ़े बालाजी पर रहने वाले कुछ दबंग लोग इसे काफी समय से परेशान कर रहे हैं एवं आए दिन इसके साथ मारपीट और गाली गलौज भी करते रहते हैं, जिसकी शिकायत करने के लिए जब सिटी कोतवाली पहुंची तो वहां से इन्हें अजाक थाने में पहुंचा दिया गया। वहीं अजाक थाने में पहुंचने के बाद वहां से उन्हें चलता कर सिटी कोतवाली पहुंचा दिया गया। वहीं ये महिला अपने बच्चे का आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंची। इसके बावजूद भी इस महिला की कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही। वहीं आलम यह कि दबंगों की मारपीट के चलते युवक अस्पताल में भर्ती है, जिसके सुध लेने वाला कोई प्रशासनिक अमला मौजूद नहीं है। सुनो भाई साहब, जे कई तो भी अकेले लगे मैं इनके, सुनो अब आराम से निपट लेंगे भाई, ये भी पत्थर फेंकने लगे तो मैं इनके घर में दुखी। फिर मैंने जे कही तैयार खा रही थी, मैंने चौधरी मोहल्ला रहती हो तो मोह भी मैंने धमकी ममकी दई तो वे ऐसी कचु कचु की ऊपर उनकी बहरे भी आ गई, बेबी भी आ गई नहीं तो भैया जी हमारी बात है और अभी भी हमारे पीछे पड़ रहे हैं, हमें बहुत धमकी दे रहे हैं। थाना गए थे हम? गए थे, एसपी साहब भी गए थे, थाने भी गए थे, हरिजन थाने भी गई मैं। क्या बोल रही है? आई ने जो बोल दई के वहाँ जाओ सिटी कोतवाली, जाओ सिटी कोतवाली से बोल दई, वहाँ से होगा, वहाँ से बोल दई वहाँ जाओ, चारों बगल घुमा रहा है।